राम राम भाई, सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज भाई मैं आप सभी को इस गाड़ी के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये जो भाई गाड़ी है ये सेंट्रो जिंग 2011 मॉडल, और भाई इसको हमें रखते हुए करीबन 12 साल हो गए हैं आज 2023 में। और भाई ये गाड़ी करीबन 130,000 किलोमीटर चल गई है जैसा आप लोगों ने देखा भाई। तो भाई साहब ये जो गाड़ी हमने जब ली थी तो मार्च में ली थी ये 2011 में, और 5-6,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमने इसमें सीएनजी लगवाने का फैसला लिया भाई, क्योंकि हमारी जो डेली रनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और पेट्रोल में फिर मतलब कि ज़्यादा खर्चा पड़ा था, तो इसलिए हमने सीएनजी लगवाने की सोची अपनी गाड़ी में। तो भाई हमने बहुत सारा ऑनलाइन, बहुत सारी दुकानें ऑनलाइन सर्च करी, अपने आसपास में भी जाके भाई जो ये लोकल मार्केट होती है यहाँ पर भी हमने बहुत देखा कि कौन सी सीएनजी लगवाओ है। बहुत अपने भाइयों से पूछा, कोई कन्वेंशनल सीएनजी बताए भाई, किसी ने सिक्वेंशल सीएनजी बताई, तो हमें तो भाई सिक्वेंशल सीएनजी ही लगवानी थी। कन्वेंशनल का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि हमें गाड़ी लंबी चलानी थी, हमारी रनिंग भी हर रोज अराउंड 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर के अराउंड थी हमारी रनिंग, इसलिए भाई हमने सीएनजी लगवाने की सोची इसमें। तो भाई बहुत ढूंढा इधर उधर दुकानों पे भी भाई, जो ये अपनी लोकल मार्केट्स होती हैं यहाँ पे भी बहुत देखा, तो किसी का पसंद ही नहीं आया भाई लोकल मार्केट्स वगैरह का। तो फिर भाई एक भाई ने बताया कि आप अशोक विहार जाओ, हम भाई अशोक विहार गए, वहाँ पे एक सिक्वेंशियल सीएनजी वाले से हमने बात करी, और तो भाई वहाँ हम जब बात करने लग रहे थे तो कोई कस्टमर आया, उसने अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाई थी, तो वो भाई उन पे काफ़ी भड़का हुआ था। और तो भाई मतलब कि साथ ही हम पहुँच रहे थे उस टाइम पे अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाने के लिए, हमने पक्का प्रोग्राम बना रखा था अग भाई आज तो इसी को गाड़ी देखा है और अपना सीएनजी इसी पे लगवानी है भाई। उसने हमारे को खर्चा बताया था उस टाइम पे सिक्वेंशियल सीएनजी का 50,000 के आसपास, और भाई पास वास करा के 55,000 के आसपास उसने हमारे को खर्चा बताया था भाई। हमने अपना पूरा मन बना रखा था, मैं थे भाई, मेरा भाई था, मेरे पापा थे, हम सारे जा रहे थे वहाँ पे, और अपना गाड़ी उसको देने वाले थे, तो वो कस्टमर आ गए भाई उस, तो उनकी झगड़ा सुनकर और उनके व्यू वगैरह सुनकर मेरे पापा जी का दिमाग तो बोला भाई ना इन दौरे ना लगवाएं। अर्थ भाई हम जैसे ही बाहर आए, अर्थ वहाँ पास में एक मारुति का सर्विस स्टेशन था और शोरूम था भाई, तो मेरे पापा ने वैसे ही कंफर्म कर लिया उनके वहाँ जाकर भाई हमने गाड़ी में सीएनजी लगवानी है, और हमारी गाड़ी है सेंट्रो जिंग 2011 मॉडल। भाई उस टाइम पे ये PS4 आती थी सारी, आजकल तो PS6 आने लगी, तो ये PS4 है। और तो भाई फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि आप जी मोती नगर हुंडई में जाओ, आप वहाँ आपको बताएंगे कि मतलब कि कौन सी सीएनजी बढ़िया रहेगी आपकी गाड़ी में, और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और तो भाई फिर हम अपनी गाड़ी ने मोती नगर हंस हुंडई में लेकर गए, ये जो फ्लाईओवर के पास है वहाँ भाई हम जाकर रिसेप्शन पर पहुँचे। उन्होंने भाई काफ़ी अच्छा ट्रीट किया हमें, मतलब कि उनका जो वेलकम, जो मतलब कि सर्विस उनकी थी भाई वो काफ़ी अच्छी लगी, चाय वगैरह पिलाई, पानी वगैरह पूछी भाई, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने हमें बताया कि जी आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर के आसपास चली है अभी, ये भाई 2012 की बात है। तो हमने भाई फिर अपनी RC वगैरह उनको दिखाई, और तो उन्होंने बताया जी हम क्या करते हैं, हमारा हुंडई का एक प्लांट है यहाँ ओखड़ा में CEV इंजीनियरिंग के नाम से, और तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों में CNG लगवाते हैं। उस टाइम तक भाई जो हुंडई था वो कंपनी फिटेड CNG नहीं देता था, मतलब कि उनकी कंपनी से जहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर होती थी प्लांट में वहाँ से CNG लग के नहीं आती थी।
तो भाई वो क्या करते थे, जैसे किसी भी कस्टमर को सीएनजी की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो उनसे उनको पेट्रोल की गाड़ी दे के और उनकी गाड़ी को भाई एक दो दिन में सीएनजी में कन्वर्ट करा के फिर उनको देते थे। मींस भाई वो क्या करते थे, मतलब कि गाड़ी बेच के और फिर वो जो गाड़ी हमने खरीदी है या नई है या जो पुरानी है हमारी हुंडई की, उसको एक हुंडई के प्लांट में बेचते थे ओखड़ा। वहां पे भाई कंपनी फिटेड सीएनजी लगती है हुंडई की। तो भाई वो जो सीएनजी लगाते हैं भाई साहब, वो सीएनजी इतनी परफेक्ट लगाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी गाड़ी में सीएनजी लग रही है। और जो सीएनजी वो लगाते हैं वो कोरिया से इम्पोर्टेड सीएनजी है उनकी, जो हुंडई वगैरह हुंडई अपनी कंपनियों में बाहर के देशों में लगाती थी वो सीएनजी वो लगाते हैं भाई। और आज देख लो आप, हमें 2012 में लगवाई थी हमने, और भाई साहब आज 2023 हो गया, हमने आज तक बस इसकी एक बार सर्विस कराई है वहां जाके, और आज तक हमने इस सीएनजी में भाई कुछ भी नहीं कराया है, कुछ भी नॉट अ सिंगल इशू आज तक हमारी गाड़ी में भाई कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है सीएनजी के। मतलब सीएनजी की तरफ से हम अभी तक बिल्कुल टेंशन फ्री है, हमारी गाड़ी में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है सीएनजी को लेके। तो भाई मतलब कि मेरा कहने का ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाते हो तो पहले तो मैं ये कहूँ भाई कि अगर आप हो सके तो कंपनी फिटेड सीएनजी ही लो। ये जो बाहर की सीएनजी होती है ये स्टार्टिंग में जब गाड़ी नई नई होती है तब तो भाई आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बाद में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दे है। और भाई फिर आप डीलर के पास जाओ जिसको आपने सी एन जी लगवाई, भाई फिर वो तो ऐसी ही सुनवाई कर रहा है, उसका तो भाई सुनना ना सुनना फिर बराबर है, फिर आप उसमें पैसे लगाते लगाना पड़ा है आपने। अरे इस तरह बढ़िया भाई, आज के टाइम का तो आज के समय में तो ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई अपने कंपनी से ही आप अपनी कंपनी फिटेड सी एन जी खरीदो। अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है जैसे हुंडई की है और उसमें आप BS4 में भी अभी भी सी एन जी लगाना है, जैसे सेंट्रो होगी, एक्सेंट होगी भाई, इनमें i20 होगी, इनमें अगर आपने सी एन जी लगवानी है तो आप ओखड़ा जाकर विजिट कर लो, CEV इंजीनियरिंग के नाम से है वो भाई, आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड सी एन जी लगा दे हैं बिल्कुल, आपके सस्पेंशन भी बदल दे हैं, मतलब कि किसी तरह का कोई गुटका वुटका वो नहीं लगाते, आपकी गाड़ी की कोई हाइट वगैरह कोई रिड्यूस नहीं होती, ना आपकी गाड़ी के सस्पेंशन पर कोई फर्क पड़ता, मतलब आपने पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपकी गाड़ी सी एन जी में चल रही है, और बिल्कुल बढ़िया जिसने कहा अगर कतिनू एक नंबर की सी एन जी लगा भाई। थोड़ी कॉस्टली तो पड़ा है भाई, जैसे उस टाइम पर हमने भाई 55,000 रुपये की पड़ी थी, 2012 की बात है ये, बट टेंशन फ्री है भाई आज तक, हमारी गाड़ी में भगवान की दया तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है भाई। और एवरेज की सुन लो भाई आप, पहला था जब सी एन जी सस्ती थी, जब 30 रुपये हमने तब लगवाई भाई, जब 30 रुपये तभी कम थी सी एन जी, उस टाइम तो भाई हमारी गाड़ी 1 रुपये तभी कम चल रहा करती, मतलब 1 रुपया किलोमीटर तभी कम चल रहा करती, एक बार हम गैस भरवा लिया करते यार तेनों समझ लो या 225 आराम तक अड्डा करती। और भाई हाईवे पर तो और भी फालतू निकाला है, अब भी निकाला है यार। तो भाई अब जैसे जैसे सीएनजी बढ़ गई तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ी है, बट पेट्रोल से तो भाई अभी भी सस्ती है, पर गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है भाई वह बिल्कुल ऐसी है, टॉप नॉच क्वालिटी की परफॉर्मेंस है गाड़ी, आज तक हमारी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ना तो सीएनजी से रिलेटेड और ना भाई इंजन से रिलेटेड। और तो भाई आप जिन भी भाइयों को अगर सीएनजी लगवानी है, आपकी BS4 गाड़ी है, क्योंकि BS6 में तो भाई अब लगती नहीं है, और BS4 है तो आप, आपके पास हुंडई की कोई भी गाड़ी है, सेंट्रो है, जैसे सेंट्रो है भाई, i10 है, नियोस है, इनमें लगाते हैं वो, आपके पास एक्सेंट है, वरना वगैरह में, और भाई क्या पता i20 में भी लगा दे, वैसे पहले तो ना लगाया करते, अब का भाई पता नहीं, एक बार आप वहाँ जाकर विजिट कर लो, CEV के नाम से है, ओखड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में भाई हुंडई का प्लांट है, और काफ़ी बढ़िया सीएनजी लगा है, आपका पास वास करके सब कुछ वो देने हैं, अगर आपने पास ना तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना कर दिए हैं जिससे आप MLO वगैरह दौड़ता हो तो वो आपने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई।
अरे तो भाई ये मेरा एक आप मतलब कि सीएनजी से मैं अपने सीएनजी के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा है, तो जिस भी भाई ने लगवानी हो तो वहाँ जाकर संपर्क कर सकता है। आई होप भाई आप लोग भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई या जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भाइयों तक पहुँचे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राम राम भाई, सभी भाइयों को राम राम।